बिना प्लानिंग के निकलने अंजाम यही होता है। ये देखो गाइस चेक दिस आउट, भाई बहुत ही ज्यादा ठंडी है सीधे। बैक टू आवर न्यू एपिसोड, और आज का ब्लॉग बहुत ही खतरनाक होने लगा, क्योंकि आज हम लौट के आ चुके हैं हम तीन के तीन, क्योंकि यहाँ से एटीएम से पैसे निकालें, क्योंकि हमारे पास सारे कैश खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए हम लोग कैश थोड़े निकालने आ चुके हैं। एटीएम थोड़ा सब बताया, थोड़ा आगे काफ़ी देर से हम लोग चलते हुए आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे, और आगे आगे आते हैं काफ़ी आगे आ चुके हैं। आधा किलोमीटर चलने के बाद अब आगे मिला है एटीएम, मेरे को कम से कम आधा किलोमीटर के हम लोग रोहतांग जाना कैंसिल हो गया, जो आज का हम ट्रिप था रोहतांग का, तो वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी है कि वहाँ पे पता नहीं कितनी ज़्यादा ठंडी होगी, तो इसलिए क्योंकि नैतिक को प्रॉब्लम हो सकती है छोटा सा है, इसीलिए हम जाना कैंसिल कर दिया वहाँ पे, क्योंकि बहुत ऊपर भी है और बर्फ भी गिर गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तो इसीलिए नहीं जा रहे, कैंसिल कर दिया वहाँ पे। और आज के यहाँ पे जो भी घूमने वाले हैं यार, इतनी दूर आके बर्फ, मतलब हाँ यार बर्फ में जाना है, मतलब बहुत ही सोचा था कि जाऊंगा यार बर्फ देखूंगा यार ऐसा वाला, बट यार कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि नैतिक हो गया और विष्णु भी है और भी बच्चे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा ठंडी की वजह से, क्योंकि यहीं पे कंट्रोल नहीं हुई ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो जब हम ही लोगों को इतनी ठंडी लगी तो बच्चों को इतनी ठंडी लगने वाली, तो इसलिए हम यहाँ रोहतांग जाना कैंसिल कर रहे हैं, और देखते हैं यहाँ पे जहाँ भी घूमते हैं आज, तो आज का ट्रिप मुझे कुछ भी नहीं पता होने वाला है, क्योंकि अब देखो जहाँ भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे ही, सो स्टे ट्यून बने रहो यार। देख फाइनली सारे जा चुके हैं बस में, और मैं ही सिर्फ बचा रह गया हूँ, क्योंकि यार मैं शर्ट चेंज करने आया था, सब बोल चुके हैं वहाँ पे, जल्दी से इसको लॉक करके वहाँ वापस पहुँचते हैं। रोहतांग जाने कोई प्लान नहीं था, जैसे कि अभी आपको बता चुका था, बस हम लोग इंस्टेंट ऐसे ही निकले थे घूमने के लिए, और एक बार की से प्लान कर लिया कि चल रहे रोहतांग ही, क्योंकि अब जो आए हैं इतनी दूर तो फिर दोबारा जाने का होगा नहीं, तो इसलिए एक बार की से हमने प्लान किया कि रोहतांग ही चलते हैं, बाकी यार वहाँ ठंडी तो बहुत ज़्यादा होगी बच्चों के लिए अभी, बट वही है मैं आपको बता रहा था, बट एक बार की से हमने इंस्टेंट प्लान किया कि चलो चलते हैं, तो अब देख लो एक बार की से इंस्टेंट प्लान किया है, तो अब देखते हैं आगे, देखते हैं कैसी ठंडी रहती है, हम देख सकते हो कैसे कैसे निकल आए हैं, कुछ भी पहना वहना नहीं है ठंडा, ना ही कोई कपड़े ठंडे लाए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो क्या सुबह को रोहतांग, और रोहतांग में बहुत ज़्यादा ठंडी होने वाली, क्योंकि यहाँ पे इतना ठंडी है और बर्फ ये देखने को मिल जाए, क्योंकि पहाड़ों पर आ गए हैं, तो आप लोगों को भी अभी व्यू चेक कराते हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है रोहतांग में, और देखते कैसा मज़ा आएगा रोहतांग। आप पहन के जा रहे हो, तुम्हें ठंडी नहीं लग रही, तुमको अभी नहीं लग रही, अभी बाहर नहीं लगे, टू गेट दिस व्यू, और अभी ऊपर करते हो, अभी आपको चेक कराता हूँ, तो बहुत ही प्यारे व्यू है यहाँ पे, और व्यू ज़्यादा नहीं दिखा रहा, दूर हो जाओगे इसलिए व्यू ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, अभी बर्फ वाले व्यू दिखाता हूँ आपको। ये व्यू चेक करो यार, ये देखो गाइस ये व्यू कितना ही प्यारा है, सीरियसली ये भाई जन्नत है यार, फाइनली गाइस हम बादलों के बीच में हैं, ये चेक करो भाई बादल ही बादल, ये देखो हम लोग बादलों के बीच में, ये देखो बादल ही सारे, अभी चेक करो ये भाई, अभी तो नीचे से ऊपर देख रहे ना, ऊपर से ऊपर देखो भाई, बराबर से बादल को देखो, ये चेक करो भाई देख रहे भाई, ये देखो यार इंस्टेंट प्लान की वजह से कुछ लिए हुए थे नहीं, तो हम लोग थोड़ा रुक गए यहाँ पे, कुछ चिप्स और ये सारी चीज़ें नाश्ता वास्ता लेने के लिए रुक गए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खाना बनता ही ना यार, बच्चे हैं अगर कुछ भूख भूख लग गई तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए, और बाकी ये चेक करो गाइस, ये देखो दिख रही है यहाँ पे बर्फ, थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखना स्टार्ट हो गई, देखो दिख रही होगी यहाँ बर्फ, क्या चाहिए चिप्स, इतनी सारी चीज़ निकलवा चुका है, अभी भी उसको चिप्स चाहिए है ना, अब आप भी कुछ लोगे, कुछ लोगे क्या लोगे बताओ। नीचे उतरा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ रुक गई थी,
क्योंकि यहाँ पे ना पत्थर आके ऊपर से गिर गया था यहाँ बीच में, सो गाड़ी उसके वजह से आगे पीछे नहीं जा पा रही थी, तो मतलब आने जाने में जा नहीं पा रहे थे, सो इसलिए अब पत्थर अभी जस्ट हटा है। देखो ये गाड़ी यही पत्थर इसमें आई, उठा के ले जा रहे हैं और जस्ट अब यहाँ से वापस हम लोग गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब आगे निकलेंगे हम लोग आगे की ओर। और बाकी ये व्यू चेक करो, ये देख रहे हो गाइस, ये व्यू चेक करो, चेक दिस आउट गाइस, कितना खतरनाक व्यू है ना, सीरियसली बहुत ही खतरनाक व्यू, देख सकते हो। ये देखो अब इसके और भी ऊपर जाना है, सो समझ सकते हो बहुत ही फंटास्टिक होने वाला है सामने से। ये देखो बर्फ, ये देखो ये बर्फ है गाइस, ये देखो जब बर्फ हुई थी तो ये देखो कैसे बन गया था यहाँ पे, देख सकते हो अभी बर्फ यहाँ बाकी ही है। नाउ वी आर इन रोहतांग और चेक दिस आउट, गाइस चेक दिस आउट, भाई बहुत ही ज्यादा ठंडी है सीरियसली, मेरे मुंह से भाप भी निकल रहा होगा, देख रहा होगा आपको। और बाकी ये देखो चेक करो गाइस, ये देखो गाइस ये चेक करो, ये देखो गाइस ये चेक करो भाई, जन्नत जन्नत। ये देखो बर्फ, ये भाई कैसा ठंडी, गाड़ी आ रहा है इधर बहुत गंदा है। जी अब नहीं देती है इतनी ठंडी है, देखो ये बोल रहे ऐसे बाहर जाएगा, देखो ये ऐसे, देखो बाहर बर्फ ही बर्फ है, हम ऊपर आ जाएंगे, देखो ये ऐसे जाएगा बाहर। ओए क्या कर रही हो तुम, चलो ऊपर, चलो आप पहनो, चलो ऊपर, कुछ कर भी नहीं पाओगे बिना प्लानिंग के निकलने का अंजाम यही होता है। ये देखो ये देखो अरे इसे चड्डी पहना दी यार, मजा पहनो, देख रहे हो चड्डी लग रही है, उसको क्या पहना दिया गया ऊपर, वो रो रहा है, लो समझता है वो। अच्छा आप उसको क्या पहना रहे हो, लो क्या हो बाबू, अच्छा क्या पकड़ो, हाँ अबे भाई चाचा क्यों पहना दिया यार, इसकी बेइज्जती कर रहे हो आप, नहीं लोग सोचेंगे कि आदमी का दिमाग कितना होता है तो टोपी नहीं है तो क्या टोपी, ये देखो इनको देखो, ये तो टोपी एक बनाओ, हां इसको चड्डी बनाओ, बनाओ इसको चड्डी बनाओ, तीन चड्डी बनाओ, टोपी बना साले को, इतनी टॉप पे है ना सीरियसली, बहुत यार टॉप पे है अभी हम लोग। और हाँ यार गाइस यहाँ का ये देखो व्यूज बस चेक करो, ये देखो कितना ज्यादा ठंडी है ना, कितना ज्यादा ठंड है सीरियसली, कोई वही नहीं है क्योंकि मुझे तो लग रहा है -13 ऐसे कुछ है क्या, ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ पता नहीं मुझे, और नेट नहीं चल रहा, वरना आपको भी सर्च करके दिखाता है, यहाँ पे ना टावर है ही नहीं मतलब, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी सिम काम ही नहीं कर रही है। मैं हम लोगों ने कपड़े इसलिए नहीं लिए क्योंकि सिम ज़्यादा देर तक रहना नहीं है, क्योंकि जान तो नैतिक है और उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग जाएगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कपड़े मिल तो रहे हैं, समझे गाइस यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, ये सारे जो पहने हैं तो यहाँ पे मिल तो रहे हैं, बट हम लोग इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ज़्यादा देर नहीं रुकने का, क्योंकि यार ये है ना इसको ठंड लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी है ना, तो इसलिए रुकना तो है नहीं, क्यों फिर कोई मतलब नहीं कपड़े लेने का, गाड़ी बहुत दूर है चलती रहो, देख रहा हूँ ये देखो और इंस्टेंट प्लान बनाओ, और बनाओ इंस्टेंट प्लान बनेगा यही होता है नतीजा, आई नहीं रहे हम तुम हाथ पकड़ लेंगे, घर भी साली ऐसे ही पैदा हो जाए, हम आगे नहीं जाने चाहते हैं, तुमको वापस ले चलो, हम गाड़ी बैठे हैं, नहीं नहीं चलिए आता आगे तक, तो विष्णु और नैतिक और सबको अंदर ही बैठा दिया क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, तो हम लोग थोड़ा आगे तक एक्सप्लोर करके आते हैं, इन लोगों सबको गाड़ी में बैठा दी, गाड़ी में ठंड नहीं है, थोड़ा टेम्परेचर लो ही है क्योंकि बंद कर दिया सारे, तो चारों तरफ सीते और अंदर गर्म ही है थोड़ा, सो चलते हैं आगे चेक करते हैं, ठंडा मौसम ठीक है, मौसम बहुत ज्यादा नहीं है, सही है, हम लोग एक सर्दी में तो हैं, सर आप बताओ मौसम सही है, ठंडक का माहौल दिख रहा है नहीं, हाँ। मतलब है इतना मतलब कुछ डर रहा है कि मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन इतना ठंडा है नहीं, हम लोग ऐसे आराम से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुंह से बोलना चाहे तो बहुत ठंडा, मैं बोल नहीं पा रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठंडी इतनी ज्यादा है, तो गर्म चीज खाने में तो भाई बड़ा ही मजा आने वाला ऊपर, क्योंकि यहाँ मिल रही है मैगी चाय सारी चीजें, तो यहाँ पे मैगी ऑर्डर कर दी है, तो देख सकते हो मैगी कैसे बनाते है, देखो चेक करो स्टोव से बना रहे हैं यहाँ पे मैगी, सो अभी खाने में बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि यार समझ रहे हो कि ठंडी और ऊपर एकदम पहाड़ों पे फिर मैगी यार अलग ही लेवल, सो देखो भीड़ कितनी लगी हुई है, सो यार हर कोई खाना पसंद करेगा, और गर्म चीज़ इतनी ठंडी में गर्म चीज़ मिल जाए तो क्या ही मज़ा है,
फाइनली वी गॉट द मैगी और टेस्ट करते हैं। वैसे मैगी देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है और अब टेस्ट करके बताते हैं कैसी मैगी है। ऊपर पहाड़ों के वाह, एक ही ली है, पहले टेस्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कैसी है। अच्छी है, पक्का पक्का बहुत अच्छी है। अभी इन्होंने टेस्ट करा दिया, अब मैं टेस्ट करूँगा। अच्छा टमाटर बोल बढ़िया बोल। तो वीर भी लो, खा लिया पहाड़ों की मैगी। मत कहो मत कहो मत, अरे झटके चला गया तो फिर हो गया अभी। गंदा है ये बस, अरे ऊपर वाला गंदा है ना, अंदर वाला सफा। अरे मत खाओ, अरे खा भी ली। बहुत बढ़िया टेस्ट है, पानी जरूरत है ना। अरे यार मत करो, छोड़ो एक बार मुंह में रख के जीभ में रख के दिखाने लोग कहेंगे ऐसे कर रहा है। इधर कहो जा, ये देखो बर्फ, ये देखो बहुत अच्छा टेस्ट है। हाँ अब दारू में बर्फ मजा ही आ जाएगा। चम्मच निकाल लो, चम्मच लो अंदर, चम्मच पर गिलास में लगा लीजिए। ये देखो मजा। अंकल जी ने तो लेवल ही अलग कर दिया, देख रहे हो यहाँ बर्फ खेल ठीक है। यहाँ पे धूप निकल आई है, पल पल में तो कुछ ना कुछ होता है, बारिश होती है फिर धूप निकलता है फिर कोहरा आ जाता है। अब देख सकते हो ये देखो धूप हल्का फुल्का आ गई। अब देखो यार अब मैगी भी खा के थोड़ा और आगे आ गए और अब तो प्रॉपर धूप निकली है थोड़ी बहुत। और ये व्यू चेक करो गाइस, सीरियसली ये देखो दिख रहा है गाइस, चेक करो यार सीरियसली मेरे लिए तो नया है यार। मैं बार बार व्यू दिखा रहा हूँ बिकॉज ये मेरे लिए तो नया है, मैं तो पहली बार आया हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में पहली बार आया हूँ अभी, और इसके पहले मैं कहीं नहीं गया हूँ और ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था और इसलिए मैं इतने सारे व्यू दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए पहली और मेरे लिए नया है तो इसलिए मैं व्यू दिखा ही रहा हूँ। और वो देखो वो ये छोटी देखो भाई, ये यहाँ पे सोचो इधर, मैं ब्लॉगर से जानता हूँ तुम्हारा, देखो हाय हाय बहुत पुराना है, बहुत पुराने से जानते हैं हम इनको। थैंक यू कैसा आप एंजॉयमेंट चल रहा है यहाँ पे, एक नंबर। और बाकी वो देखो वो दिख रहा है, वो टावर दिख रहा है तो भाई एक नंबर का है भाई। वहाँ पे कितनी ठंडी होगी, जब यहाँ पे इतनी ठंडी है तो सो सकते हो। अभी तक सबसे सब अंदर बैठे हुए थे, अब जैसे ही थोड़ा धूप निकली सारे सारे बाहर आ रहे हैं। अभी तक ये भी अंदर बैठी थी और सबके सब अंदर बैठे हुए थे, क्यों बाहर आ गए अभी भी अंदर बैठने। धूप हो गया ना, धूप हाँ धूप हो गया। धूप सब्सक्राइबर 257 हो चुके हैं, तो टोटल सब्सक्राइबर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। यार ठंड तो बहुत लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है। अभी देखता हूँ 257 और हार्ट बढ़ाता हूँ, ये हार्ट बन गया। और बाकी यहाँ लिखेंगे शैडी सेना SHADY गाइस, ये देख सकते हो क्या हो रही है उंगली की हालत। ओ शिट तो देख सकते हो ये 57 के हो चुकी है टोटल मेरी शैडी सेना। सो यहाँ लिख दिया, देख सकते हो ये दिख रहे हैं 257 के और ये शैडी सेना। सो फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा बस पे और यहाँ से वापस रिटर्न होंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रात हो रही है और ज़्यादा रात में यहाँ पे नहीं रुकते हैं क्योंकि भी बर्फ़ गिरने चांसेस होते हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने वाले हम लोग। सो निकलते हैं यहाँ से।